उज्जैन में हुआ सत्ता का हस्तांतरण। भगवान शिव पृथ्वी की सत्ता श्री हरि को सो कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए। उज्जैन में हुआ हरि और हर का मिलन। राजाधिराज स्वरूप में भगवान शिव देश यानी एकादशी से देव उठनी एकादशी पृथ्वी पर भार भगवान शिव के पास होता है। वैकुंठ चतुर्दशी को भगवान शिव पृथ्वी की सत्ता भगवान विष्णु को सौंपते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी को पृथ्वी की सत्ता का आदान प्रदान हुआ। श्री हर अर्थात राजाधिराज महाकाल पृथ्वी की सत्ता श्री हरि यानी भगवान विष्णु को सौंपी। इसी के साथ मांगलिक कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। सत्ता के इस हस्तांतरण को हरिहर मिलन कहा जाता है। रात्रि में बाबा महाकाल राजसी थाड़वा से पालकी में सवार होकर अपने धाम महाकाल मंदिर से रात 11 बजे निकले और द्वारिकाधीश गोपाल मंदिर में भगवान विष्णु को पृथ्वी का कार्यभार सौंपा। श्रद्धालुओं के लिए सवारी मार्ग पूरी तरह से बंद रखा गया। इसके बाद भगवान शिव कैलाश पर्वत पर तपस्या के लिए चले गए। पौराणिक मान्यता है कि देश यानी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक भगवान विष्णु पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ विश्राम के लिए जाते हैं। इन चार महीनों में सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव के पास होता है। यही वजह है कि श्रावण और अगहन मास में महाकाल राजाधिराज होते हैं और प्रत्येक सोमवार को राजा के विभिन्न स्वरूपों में प्रजा का हाल जानने के लिए राजसी थाटबाट के साथ निकलते हैं। सत्ता के हस्तांतरण के लिए महाकाल मंदिर से भगवान शिव की सवारी रात 11 बजे निकाली। सवारी गुदरी चौराहा पटनी बाजार होते हुए गोपाल मंदिर पर आई। कोरोना महामारी के कारण सवारी बड़ी सादगी पूर्ण तरीके से निकाली गई। गोपाल मंदिर में बाबा महाकाल विधि विधान से भगवान विष्णु को बेल पत्र की माला और भगवान विष्णु ने तुलसी की माला भगवान शिव को भेंट की। धारा 144 का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही करने हेतु भारी पुलिस बल तैनात रहा। आतिशबाजी और हिंगोट पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहा। साथ ही कोरोना महामारी को देखते हुए प्रशासन ने हरिहर मिलन के दौरान किसी भी तरह के आतिशबाजी और हिंगोट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। हरे हर भगवान बाबा महाकाल वैकुंठ चतुर्दशी महापर्व आज हरि और हर का मिलन ये अद्वितीय दृश्य है जो साल भर तक भक्त लोग इंतजार करते हैं। भगवान शिव आज भगवान विष्णु को जो उनके परम मित्र हैं उनको वापिस से सत्ता सौंपेंगे। वैकुंठ चतुर्दशी महापर्व के नाम से जानी जाती है। देव उठनी 11 के दिन जब भगवान विष्णु वापिस पाताल लोक से आ जाते हैं तो भगवान शिव को जिनको चार माह से पूरे ब्रह्मांड का आभार दे रखा था भगवान स्वयं जाकर कैलाश से खीर सागर जाकर भगवान वैकुंठ धाम जाकर चार्ज वापिस से देते हैं और भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे परम मेरे मित्र अब तुम इस पृथ्वी का कार्यभार संभालो, मैं वापिस से कैलाश जाता हूँ। ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर यह इस तरह की पूजन की जाती है। जय महाकाल। भगवान शिव को तुलसी की माला और भगवान विष्णु को बिलपत्र की माला अर्पण की जाती है। हरि और हर का मिलन होता है, इसे हरिहर मिलन कहते हैं। जय महाकाल।